मैम, हाय, गुड आफ्टरनून. पूजा मैम, पहली क्वेरी कौन सी मैम? सर मैंने टाटा स्टील्स के 150 शेयर लिए थे सर, जब वो स्प्लिट हुआ था ना 97 रुपीज पर. तो अब पूछना क्या है, ये ट्रेडिंग तो के लिए क्या लिया था? करना क्यों लिया, क्यों लिया था पहले? पूजा मैम एक बात समझाओ. क्योंकि सर टाटा स्टील, सर मैंने ट्रेडिंग सिर्फ 6 महीने पहले शुरू किया है सर. हाँ ठीक है. और टाटा स्टील लिया था क्योंकि स्प्लिट होके आया था तो अट्रैक्टिव लग रहा था 97 पे, ऐसा मान लेते हैं, है ना? बढ़िया ट्रेड था, जो भी था, जिस रीजन से भी लिया हो आपने. अब सवाल क्या है, मुनाफा बांध लूं या बनी रहूं, ऐसा पूछूं? यस सर. राजेश सर क्या करा जाए भाई, मेरा एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बढ़िया है. वो स्प्लिट के बाद जब ठंडा हुआ था बीच में, तो एकदम ही मैंने 97-98 के लेवल्स पे एक्वायर कर रखा है, 120 पे खड़ा हुआ है. क्या टाटा स्टील और तेजी दिखाएगा, रखे रहूं, या ये 22-25 रुपए आज का बाजार कमजोरी में ना हमें धक-धक होती है कि ये भी जो दिख रहा है चला ना जाए. तो अजय सर क्या करना है? हाँ कुछ कह रहे हो पूजा मैम? सर मैं इसको होल्ड कर सकती हूँ सर ठीक बात, कितने भी टाइम तक. ओके. राजेश सर, सर जैसे ये कह रही हैं कि ये होल्ड कर सकती हैं, मैं समझता हूँ इन्हें होल्ड करना चाहिए. पैसे की कोई ज़रूरत नहीं हो तो बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की डेट में 20 मिलियन टन ये कंपनी बना रही है. कलिंगानगर में इनका जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके बाद और भी ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी. स्टील सेक्टर में 10 लाख से भी ज़्यादा वैल्यू का जो कोर्सेज है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा. फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज हो गया, टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, सारा का सारा कोर्सेज बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा. उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धन डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है. आप जैसे ही धन डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर लेते हो, यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, AMC, कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं है. उसके अकाउंट ओपनिंग करने के बाद नीचे एक और गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को आप जैसे फिलअप कर दोगे, उसके बाद आपको इस प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए. रिकवरी आ रही है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और इनपुट कॉस्ट कम होती जा रही है, दोनों तरफ से इनको सहायता मिल रही है. जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में रोल बैक हुआ है वो भी एक पॉजिटिव है. कोकिंग कोल और आयरन ओर दोनों के प्राइसेस में ज़बरदस्त कट देखा गया है, तो मार्जिन्स में सुधार होगा. और डोमेस्टिक सेक्टर में जिस तरीके से सरकार का पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को लेकर के, मुझे लगता है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ के आएगी. और सेकेंड हाफ जो स्टील कंपनियों के लिए होता है वो बेहतर ही होता है. मुझे लगता है इन्हें बिल्कुल बनी रहना चाहिए. और कोई गिरावट आती है, कहने का मतलब है वापस 104-105 के आसपास आता है, तो जो निवेशक और भी देख रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं. हमारा अनुमान है कि एक साल के होराइजन में इसमें 140-145 के भाव देखे जा सकते हैं. बिल्कुल ठीक भाई. टाटा स्टील मैम, आपने खुद ही कह दिया कि कोई रिक्वायरमेंट पैसे की है नहीं, होल्ड कर सकते हो. बिल्कुल होल्ड करो, आप बढ़िया लेवल्स पे एक्वायर कराए. राजेश सर ने तमाम फंडामेंटल्स गिना दिए इस कंपनी के, ये स्टॉक यहाँ से भी अच्छी मजबूती दिखाएगा. बढ़िया ट्रेड आपने लिया.